हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है जफर अली। तो आज इस वीडियो को देख रहा हूँ, काफी टाइम से आप लोगों की इस पर रिक्वेस्ट आ रही थी कि क्रिश की रील्स की वीडियो लेके आए, तो होप्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं कैसा हूँ वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा क्या बिगाड़ रहा हूँ। क्या स्टाइल है यार, फ्रेम तो लगा कर दिखा, फिर चाहे तू हो या तेरा वो धनुष, तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर घुस के मारूंगा। क्या बंटा है, हलक में आ गई थी क्या? वाह क्या क्वालिटी बॉस, वीडियो देख रहे फ्रेम में देख। अब कैसे है यार, ये अच्छा स्टाइल है इस बंदे का। अरे जनाब, हमें अकेले रहने का गम नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप जिनके साथ रहकर अकड़ कर रहे हो ना, वो हमारे द्वारा ही भगाए गए हैं। अब वाली फायदा नहीं होता मांडवली करने का भाई। अरे 5 साल पहले मेरे पास काम करते थे, तुझसे मिल लिया, दो बात कर ली, वो बस एक हादसा था। कहीं भी पहुंच जाता तुझसे मिल लिया, दो बात कर ली, वो बस एक हादसा था, तो मुलाकात ना बन। मुझे पता है मैं बर्बाद हूँ, मैं डूब रहा हूँ, तो बताने वाला मेरा बाप ना। लेकिन तेरे को एक बात बोलूं, तू जब गुंडागर्दी करता था ना, तो अब उनका कलेजा हिलने लगता था। ए तू फिर से राउडी बन के दिखा ना उनको। मेरे हाल बताते हैं कहानी मेरी, स्टाइल बदलेगा यार, बेवफा निकली रानी मेरी। अकेले पता क्यों रहते हैं? क्योंकि हम झूठ बोलकर अच्छा बनने का शौक नहीं रखते जनाब। वो पे बिच अ मास्टर सम मूवी, तुम कभी नहीं सीखोगे। ये उम्र सुधरने की नहीं बिगड़ने की, इतना भी मत बिगड़ो कि सुधरना मुश्किल हो जाए। मुश्किल तो ये है कि मैं भी ठीक तरह से बिगड़ा भी नहीं और तुमने सुधारना शुरू कर दिया। बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से, बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से। क्या फ्रेम दी है यार, पीछे खड़ा होता और पीठ पे वार करता। जिस दिन करेगा मनिया सुरवे छाती पर वार करेगा। बहुत अच्छी दोस्ती निभाई है तूने, शेर की खाल में भेड़िया निकला, खुश रहना मेरे भाई, चलता है अपन। मैं बोलता हूँ भाई, वो भाई यार आगे निकल गए यार, अब क्या करें हम। खुद का दूसरों से मुकाबला करना छोड़ दो, सूरज हो या चांद हो, चमकते अपने वक्त पे ही है। क्या बात, चुप रहना ताकत है मेरी, कमजोरी नहीं। अच्छा, और अकेला रहना आदत है मेरी, मजबूरी नहीं। कैसे उठती है ये, कैसे इतने एक्ट किया। गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी। पांडे कौन है वो छोकरा, किसने मेरे आदमियों की धुलाई की? अबे तुझसे वही छोकरा बात कर रहा है जिसने उनकी धुलाई की। शांत अभी है, किससे बात कर रहा है पता है मैं कौन हूँ? तुम सब कोपर की तरह, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ की रट क्यों लगाते हो? है कौन रे तू? इन लोगों के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। काफी डिफरेंट पर्सनैलिटी है। कौन है वो छोकरा, किसने मेरे आदमियों की धुलाई की? अबे तुझसे वही छोकरा बात कर रहा है जिसने उनकी धुलाई की। शांत अभी है, किससे बात कर रहा है पता है मैं कौन हूँ? तुम सब कोपर की तरह, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ की रट क्यों लगाते हो? है कौन रे तू?
बाद नियम सेम होगा और हम एक नया नियम ऐड कर रहे हैं। मिर्जापुर की गद्दी पर बैठने वाला कभी भी नियम बदल सकता है। क्या बोल रहा था उस दिन जी? मुझसे 600 किलोमीटर की दूरी पर है इसलिए आज से चेंज दूर हूँ। जो बिगाड़ सकता है बिगाड़। जब दोस्त बना के काम हो सकता है पठान भाई, तो फिर दुश्मनी क्यों करें? जब दिल से उतर गए तो क्या फर्क पड़ता है, इधर गए उधर गए या मर गए या एक्ट करता। तूने अपने को मारा था ना? मैंने कब मारा था तुझे? तू तो अब भी जिंदा है। चिच्चा कहानी नहीं सुनाने का चिच्चा, अब अपन के दिमाग में भी दिमाग है। अभी अपन है उस्ताद डबल स्मार्ट शंकर। जीत जाओगे। सुल्तान मिर्जा का नाम ही काफी है, सामने वाले की जमानत जब्त हो जाएगी। क्या मतलब? शायद तूने मेरा नाम ठीक से नहीं सुना। मनिया सुरभि भार्गव सुरभि का छोटा भाई। तू मुझे बीच बाजार में सबके सामने ठोकेगा? पहचानी तो बनानी ना सब। यस, चाहे वो रास्ता गलत ही क्यों, रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा बन जाएगी। रामाश्री करेगी ढोका खुलेआम में, मम्मी को झूठ बोल के छावे के मकान पे, पापा ने पकड़ा तुझे दारू के दुकान पे, इससे ज्यादा बोलूंगा तो शॉर्ट हो जाएगा जान दे। करेगी ढोका खुलेआम में, मम्मी को झूठ बोल के छावे के मकान पे, पापा ने पकड़ा तुझे दारू के दुकान पे। साडे उते इक एहसान करो जी, दिल अपने नु साडे नाम करो जी, ना एवें बहुत सानू परेशान करो जी, जट्टी मारदी थोड़े ते तुसी मान करो जी। मन जावे मन जावे मन जावे जट्टी मार, हाय साडे उते इक एहसान करो जी, दिल अपने साडे नाम करो जी, एवें बहुत सानू परेशान करो जी, जट्टी मारदी थोड़े ते तुसी मान करो जी। मन जावे मन जावे मन जावे तू जट्टी मार। So like amazing attitude उसका, मैं क्या कहूँ भाई, अखीर attitude था like, मतलब कि बड़ा डायलॉग्स बोलने के लिए पावर चाहिए, क्योंकि वो डब में थे वो भी लाइक सुल्तान मिर्जा के डायलॉग्स मेरे ख्याल से अजय ने अच्छे से डिलीवर किए हैं, और वो स्टाइल अच्छा दे रहा था ये क्रिश भी। बट वीडियो मज़े की लगी है मुझे काफ़ी, उसने मतलब कि यूनिक तरह से वीडियो बनाई है, काफ़ी नहीं बल्कि मेरे ख्याल से यूनिक ही है, बहुत ही यूनिक वीडियो है, काफ़ी डिफरेंट आइडिया लेके है, स्टाइल काफ़ी डिफरेंट हो गया उनका। पहले टिकटॉक की वीडियोज़ मैंने उनकी देखी हुई है, वो ट्रांसफॉर्मेशन लाइक काफ़ी करता था, अभी इधर डायलॉग्स डिलीवरी ट्रांसफॉर्मेशन भी की है उन्होंने, काफ़ी चेंजिंग की है लाइक, अच्छी लगी है मुझे। होप सो लोगों की वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में मिला देता है ये वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।